महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रह्या छे। पटना एरपोर्ट पर मोटी दुर्घटना टळी। पटना में स्पाइसजेट ना विमान नू इमरजेंसी लैंडिंग करावामां आव्युं। टेक्निकल खामी ना कारणे इमरजेंसी लैंडिंग करावामां आव्युं छे। टेक ऑफ थतानी साथे विमान ना एंजिन में आग लागी हती। दिल्ली जई रह्युं हतुं स्पाइसजेट नू आ विमान, जेने आ दुर्घटना नड़ी छे। एंजिन में अचानक आग लागतानी साथे आ प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग करावामां आव्युं हतुं। हाल तो तमाम लोग सुरक्षित होवानुं पण सामे आवी रह्युं छे। कई रीते आ विमान में आग लागी हती तेने लईने हवे आगळ तपास हाथ धरवामां आवशे, परंतु टेक ऑफ थतानी साथे विमानना एंजिन में आग अने ते समय आसपासना स्थानिकोए पोताना कैमरामां आ दृश्य कैद कर्या छे, जे तमे टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो। स्पाइसजेटनुं आ विमान हतुं, एक रीते मोटी दुर्घटना टळी छे तेम पण कही शकाय। एंजिन में आग की घटना की जाण थतानी साथे ज पायलटे समय सूचकता दाखवता ज तेनुं इमरजेंसी लैंडिंग करावी देवामां आव्युं हतुं। स्पाइसजेटनुं आ विमान हतुं, जेणे पटना एरपोर्ट पर उड़ान भरी हती अने दिल्ली तरफ जई रह्युं हतुं, परंतु उड़ान भरतानी साथे ज टेक ऑफ करतानी साथे ज एंजिन में आग लागी हती। आसपासना लोकोए एंजिन में आग ने जोतानी साथे ज तात्कालिक एरपोर्ट पर रहेला अधिकारीओने जाण करी हती, पोलीस ने जाण करी हती अने तुरंत ज कार्यवाही करवामां आवी हती। आ प्लेन नू इमरजेंसी लैंडिंग करी देवामां आव्युं हतुं। टेक ऑफ थतानी साथे ज आ विमानना दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो। आसपासना लोकोए पोताना कैमरामां दृश्य कैद कर्या छे, जेमां जोई शकाय छे कि कई रीते आ प्लेन ना एंजिन में आग लागी हती। जो कि हाल तो आ प्लेन नी इमरजेंसी लैंडिंग करी देवामां आवी छे। तमाम जे पर्यटकों हता तेमने पण सुरक्षित रीते एरपोर्ट पर उतारी देवामां आव्या छे अने हवे तपास करवामां आवशे के आ प्लेन में आग शा कारणे लागी छे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवांगी, लोग क्या बता रहे हैं, कैसे कैसा उस वक्त वो महसूस कर रहे थे? और ये देखिए एक तस्वीर भी है जो स्पार्क जिसमें बाएं विंग में नजर आ रहा है। शिवांगी जरा बताइए लोग क्या कह रहे हैं। देखिए आपको बता दें, इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि जो तमाम यात्री इस विमान में यात्रा कर रहे थे, अब उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और आप एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, ये वही यात्री है दिल्ली की फ्लाइट में जो यात्री बैठे थे वो बाहर आ रहे हैं। और कुछ यात्रियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मंजर कैसा था। देखिए डर सभी को लग रहा था, लेकिन लोगों की ही सूझबूझ से इन यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कैमरा पर्सन आपको कैमरा पैन करके दिखाएंगे। आप उसी फ्लाइट में थे, आप कितने बजे उस फ्लाइट में? 9 नंबर मेरे मम पापा। आप लोगों को डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा। कितने है? तो आप लोगों को क्या कहा गया? हम लोगों की दिल्ली की फ्लाइट थी। क्या कहा गया? तभी हमें बहुत ज़्यादा घबरा गए। पिछले पैसेंजर जब चलाना प्लेन तब स्पार्क निकलने लगता था। तो आप लोग घबरा गए थे? यस मैम। और फिर आपको अनाउंसमेंट में क्या कहा गया? अनाउंसमेंट में कहा था पायलट ने कि हम वापस जा रहे हैं दिल्ली पटना के। आप किसके साथ यात्रा कर रहे हैं? आपके साथ कौन है? नानू, छोटी बहन है 1 साल की, तो उनके साथ यात्रा कर रहा हूँ और अपने नानू के साथ। आपका परिवार अभी कहाँ है? अभी वो रहे वहाँ। कितने बजे बोला है फ्लाइट लेके जाएंगे? 12 बजे 12 बजे की बोर्डिंग थी। बोर्डिंग की अब 3 बजे बोला है आप लोगों को? हाँ जी, 3:30 3:30 बजे बोला है। और जब आप लोग फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तो कितने टाइम के बाद आप लोगों को अनाउंसमेंट किया गया? 2 मिनट के बाद, तुरंत 2 मिनट में आप लोगों को? हाँ, पिछले पैसेंजर्स ने तो पहले ही देख लिया था, किसी ने सुना ही नहीं पहले। किसी ने पीछे बैठे पैसेंजर ने उसको पहले देख लिया? यस मैम। उन्होंने जानकारी देने की कोशिश की? हाँ जी मैम, लेकिन जानकारी नहीं दी थी। बिल्कुल। तो देखिए ये चश्मदीद है, कैमरा हम यहाँ पैन करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छोटा बच्चा है, उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। आपका नाम क्या है? शिवांगी बच्चा। मेरे पापा लॉयर भी हैं। तो आप लोग जब फ्लाइट में बैठे थे और उसके बाद 2 मिनट के बाद आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया गया और उसके बाद सेफली आप लोगों को बाहर निकाला गया, जब आप लोग वापस बाहर यहाँ आए तो क्या कहा है? कि आप लोग नीचे उतर लिए, अभी आप लोग किए, तब उनके एजेंट आए थे बोलने की 3:30 की फ्लाइट है। तो अब 3:30 बजे आप लोग हाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चश्मदीद है और आप देख सकते हैं जी न्यूज़ पर लगातार ये चश्मदीद बच्चा हमें बता रहा था कि कैसे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो 2 मिनट के अंदर अनाउंसमेंट कर दी गई कि कैसे ये फ्लाइट जो है अब वापस से आप लोग सुरक्षित रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तकनीकी खामी आई है। तस्वीरें आप देखिए, सभी यात्री बाहर आए और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। जो सुरक्षाकर्मी है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इस भीड़ पर काबू पाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षाकर्मियों का जमावड़ा लगा है, मीडिया का जमावड़ा लगा है, यात्रियों का जमावड़ा लगा है और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर आगे क्या होगा। 185 यात्री
यात्री इस फ्लाइट में मौजूद थे, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 3 बजे की फ्लाइट से इनको वापस अब दिल्ली भेजा जाएगा और वो चश्मदीद बच्चा जो कि उस फ्लाइट में मौजूद था, उसके बाद न्यूज़ पे देखा तो न्यूज़ पे आने लगा, उसके बाद मैंने उसको कॉल किया तो बताई कि हाँ आग लग गया, वापस लैंड कराया गया, आप लोग आकर के ले लो, मुंबई लेने आई। बहुत आग लगा था, मतलब हम लोग तो एकदम टेंशन में आ गए, उसकी माँ को हमने बताया भी नहीं, उसकी माँ घर पे ही है, बताया भी नहीं, पता कर किया तो पता चला कि हाँ सही में आग लगा, उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ आ गई।